नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मेरा पिछला वीडियो अल्सराइटिव कोलाइटिस और मेरे जीवन को काफी सारे लोगों ने पसंद किया है, काफी सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, काफी सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनमें से कुछ लोगों का सवाल था कि क्या खाए, क्या ना खाए, क्या परहेज करें। तो आज इसी विषय पर हमें बात करनी है। देखिए मित्रों, अल्सराइटिव कोलाइटिस के भीतर क्या खाए क्या ना खाए, ये बहुत गौण बात है। ये सबको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और सब लोग एक बाहरी बात कर रहे हैं, ना कि अनुभव से। जैसे कि कोई बोल देगा कि ये खाइए या ये नहीं खाइए, वो बोलता है कुछ पढ़कर, वो बोलता है कहीं से जानकर। वास्तविकता अनुभव से आती है, सत्य अनुभव से आता है। तो आज हम बात करेंगे कि अल्सराइटिव कोलाइटिस में दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या के भीतर ही ये परहेज आता है। क्या खाए या क्या ना खाए, वो भी दिनचर्या के भीतर आता है। व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी दिनचर्या से शुरू होता है। व्यक्ति का प्रत्येक दिन उसकी एक नई सुबह से शुरू होता है। और अल्सराइटिव कोलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति तो यही चाहेगा कि मैं इस गंभीर बीमारी से कैसे भी बाहर निकलूं। तो जो भी मित्र, भाई, बहन या कोई भी व्यक्ति पीड़ित है इस बीमारी से, तो एक संपूर्ण बात पर ध्यान दे कि एक स्वस्थ दिनचर्या करनी है, जिस दिनचर्या के भीतर डाइट भी आ जाता है, परहेज भी आ जाता है, एक मानसिक शांति का एक रूटीन आ जाता है। यानी कि हमें सब कुछ मिलाकर एक नई दिनचर्या बनानी है, क्योंकि आज आप जो भी है आपकी दिनचर्या की बदौलत है, और भविष्य में कोई भी व्यक्ति होगा तो उसकी दिनचर्या की बदौलत होगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो निश्चित तौर पर उसकी दिनचर्या अच्छी होगी। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो निश्चित तौर पर उसकी दिनचर्या में कुछ ऐसी बुरी आदतें होंगी जो उसे बुरा बनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ही जो कोई बंदा या जो कोई व्यक्ति अल्सराइटिव कोलाइटिस से पीड़ित है, उसकी दिनचर्या में कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया, या कुछ ना कुछ खामियों की वजह से, या कुछ ना कुछ बेदरकारियों की वजह से ये अल्सराइटिव कोलाइटिस बीमारी आई है। तो प्रत्येक मित्र को मैं यही कहना चाहूंगा कि सुबह से लेकर रात तक जब आप सोने जाए, तब तक एक स्वस्थ दिनचर्या का निर्माण करें, क्योंकि दिनचर्या में ही सारे रास्ते छिपे हैं। दिनचर्या के तहत अगर कोई योगी योग करता है तो वो योग भी उसकी दिनचर्या में आता है। अगर कोई खूनी खून करता है तो वो भी उसकी दिनचर्या के भीतर आता है। अगर उस खूनी को हमें सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। यानी कि वो जो कर रहा है प्रतिदिन उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, तब वो खूनी में एक इंसान को हम जन्म दे सकते हैं। बस ऐसे ही अल्सराइटिव कोलाइटिस के पेशेंट को एक स्वस्थ दिनचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं स्वस्थ दिनचर्या क्या है। देखिए, अल्सराइटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, जो दर्दी है, पीड़ित व्यक्ति है, उसकी मनोदशा बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही कम हो चुकी होती है, बहुत ही छिन्न भिन्न हो चुकी होती है। या तो वो व्यक्ति तनाव में रहेगा, या वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, या वो व्यक्ति डर के मारे जिएगा, या वो व्यक्ति सबसे भिन्न हो जाएगा, अपने आप को एक मानसिक कैद में कैद कर लेगा। यही लक्षणों के तहत अल्सराइटिव कोलाइटिस बीमारी जन्म लेती है। और खान पान की बात करें तो उस व्यक्ति ने भूतकाल में अनियमित खाना खाया होगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आई है। बाकी ऐसे ही किसी को अल्सराइटिव कोलाइटिस नहीं हो सकता। कुछ तो है दिनचर्या के भीतर, चाहे खान पान में हो, चाहे मानसिक तनाव के भीतर हो, कुछ तो है जिसकी वजह से ये बीमारी खड़ी होती है। तो करना क्या है मित्रों, तो सुबह पूरी नींद लेकर बिल्कुल स्वस्थ उठे, जागे और जिए सुबह को, कुछ ना करे, बिस्तर पर बैठे, शांत मन से अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में संकल्प करें कि मैं पूर्णतः मुक्त हूं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मैं पूर्णतः इस बीमारी से मुक्त हूं। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा है, वो ऊर्जा इस बीमारी को जड़ से मिटा देगी। ऐसे ही 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक संकल्प करें यही कि मैं मुक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मैं आनंदित हूं, मेरे प्रत्येक कोश में एक अनंत असीम ऊर्जा छिपी है जो इस अल्सराइटिव कोलाइटिस बीमारी को जड़ से मिटा देगी। ये संकल्प करें, बार बार यही दोहराएं, क्योंकि आप जो हैं
वो आपका मन है, यानी कि आपके मन से ही आप निर्मित हुए हैं। आपकी सारी आदतें, अच्छी या बुरी, आपके सारे काम जो भी हो, वो सारा आपका मन का खेल है, वो सारे आपके मन के चूस किए हुए हैं। तो उसी मन में बार बार दोहराइए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मैं आनंदित हूं, मैं मुक्त हूं। 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल स्वस्थ होकर उठे और ख्याल रखे कि आज का दिन जीवन का अंतिम दिन है। अगर आपको पता चले कि आज का ये क्षण, आज का ये दिन आपके लिए अंतिम है, तो क्या आप क्रोध करेंगे? क्या आप किसी के साथ बैर करेंगे? क्या झगड़ा करेंगे? क्या तेरा या मेरा करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज अंतिम दिन है। तो मेरे मित्र, एक दिन तो अंतिम आना ही है। तो प्रत्येक सुबह 10 या 15 मिनट एक संकल्प करने के बाद खड़े हो, तब ये याद रखे कि आज एक अंतिम दिन है। ना किसी पर गुस्सा करना है, ना किसी के साथ झगड़ा करना है, ना किसी के साथ बैर करना है, ना ईर्ष्या ना लालच। बिल्कुल पूरे दिन को एक शांति से जीना है, जानना है कि जीवन क्या है। फिर जो अपनी सुबह की रूटीन है, शौच आदि, स्नान आदि, वो करके बिल्कुल फ्री हो जाए, शांति से टहले अपने घर के भीतर, ना कोई लोड ले, बिल्कुल उगते सूरज को देखे, पंछियों को देखे, पेड़ पौधों को देखे, और शांति पूर्वक उसके साथ बातचीत करे, पेड़ पौधों के साथ। हालांकि दुनिया पागल समझेगी, समझने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे सूरज को, जाने अपने आप को। अगर आप कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें लग जाए, उसके भीतर संलग्न हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए, और फिर दोपहर को स्वस्थ और सात्विक भोजन को ग्रहण करें। स्वस्थ और सात्विक से मेरा मतलब यह है कि बिल्कुल हल्का खाना, कि जो आंतों पर ज्यादा बोझ ना डाले, यानी कि आंतों को पचाने में बहुत दिक्कत ना आए, ऐसा स्वस्थ और हल्का और सात्विक भोजन ले, जैसे कि मूंग की दाल है, चावल है, अगर तक्र यानी कि छास पत्ते है तो छास को भी ले सकते हैं, और हो सके तो खाने में जीरे का प्रयोग ज्यादा करें, क्योंकि जीरा पाचन अग्नि को तीव्रता से बढ़ाता है और भोजन को पाचन करने में सहायक है और रक्त को शुद्ध करता है। अगर भोजन में नहीं हो सकता तो खाने के बाद एक चम्मच या आधी चम्मच जीरे को लेकर उसको 5 या 10 मिनट तक चबाए, आपका पूरा मुंह लार से भर जाएगा, उस लार को निगल जाए, वही पाचक रस है। और खाना खाने के बाद, ये जीरा भी खाने के बाद, थोड़ी देर तक सो जाए शांतिपूर्वक, क्योंकि खाना खाने के बाद सोने से जो हमने खाया है वो पूरी तरह से पचता है। आपको ये बात चौंकाने वाली लगे कि हालांकि लोग कहते हैं कि चलिए खाना खाने के बाद चलना चाहिए या ये या वो, नहीं, खाना खाने के बाद 10 या 15 मिनट या आधा घंटा या घंटा सोइए, क्योंकि हमारे पूरी शरीर की शक्ति खाना पचाने में लग जाती है। अगर हम दौड़ेंगे, काम करेंगे, व्यस्त रहेंगे, अगर हम मानसिक तनाव में भी रहेंगे, तब भी वो खाना पूर्णतः नहीं पच पाएगा। तो दोपहर का खाना खाने के बाद 15, 20 या 25 मिनट तक या एक घंटे तक सोइए, फिर उठे तो उठने के बाद व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसकी मनोदशा भी स्वस्थ होती है। तो फिर संकल्प करें कि मैं मुक्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण आनंदित हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मेरे शरीर के प्रत्येक कोश में ऐसी अनंत शक्ति है जो अल्सराइटिस कोलाइटिस को पूर्णतः नस्तनाबूद कर देगी। इसी संकल्प में 10 मिनट तक रहिए, इसी ख्याल में, इसी वातावरण में 10 मिनट तक रहिए, फिर अपने रूटीन काम में लग जाइए। अब संध्या का समय होगा, तो संध्या के समय क्या कीजिए? सूर्यास्त हो रहा है, पंछी अपने घर जा रहे हैं, ठंडी ठंडी या गर्म हवाएं चल रही हैं, एक हल्के प्रकाश से पूरा आकाश घिरा हुआ है, उसे देखिए, क्योंकि प्रकृति के साथ ही जुड़ने से ऐसी बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है। जितने आप मुक्त होंगे उतनी ज्यादा दवाई असर करेगी, क्योंकि हमारा मन जितना शांत होता है उतना ही एक हेल्दी केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज होता है, कि जिससे बॉडी पूर्णतः स्वस्थ रहती है। इसलिए तो आपने शायद कभी फील किया हो कि जब आप शांति में होते हैं तो एक अलग एहसास होता है। वो अलग एहसास कुछ नहीं, एक केमिकल प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है दिमाग की, कि व्यक्ति शांत होता है तो उसके पूर्ण शरीर को एक अभूतपूर्व ऊर्जा का एहसास होता है, और उसी ऊर्जा से ये शरीर चल रहा है। तो संध्या टाइम को ये सूरज को देखे, पंछियों को देखे जो अपने घर पे वापस जा रहे हैं, गाय को देखे, कुत्ते को देखे, सबको देखे,
क्योंकि ऐसी ही चीजों से मन को एक शांति मिलती है। शांत चित्त, बिल्कुल मौन, क्योंकि उसी मौन में एक एनर्जी का प्रवाह अल्सराटिव कोलाइटिस के सामने लड़ने के लिए तैयार होगा। फिर रात को हल्का खाना खाए, अगर नहीं खाना है तो मत खाए, अगर नहीं खाते तो ये बात बहुत बढ़िया है, पर किसी को एनर्जी की कमी रहती है तो खाए, अगर खाना नहीं है तो नींबू पानी पिए, और फिर रात का खाना खाकर या जूस पीकर थोड़ी देर बैठे झूले पर या सोफे पर या टेरेस पर, रात को देखे सितारों को, रात को देखे चांद को, रात के सन्नाटे को भी महसूस करे और फिर सोने जाए। और याद रखे दोस्तों, ये सोना यानी कि नींद एक अभूतपूर्व मेडिसिन है, एक अभूतपूर्व दवा है जो कैंसर के सामने भी जीत सकती है। पर नींद लेने के कुछ तरीके हैं। मोबाइल यूज करते हैं तो रखे साइड में, मोबाइल को रख दे चार्जिंग में, और बैठे जहां पर आपको लेटना है उसी बिस्तर पर बैठे, और एक डीप ब्रेथ लेकर यानी कि एक गहरी सांस लेकर छोड़े धीरे धीरे, 5-10 बार क्रिया करें और संकल्प करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ सोऊंगा और मैं सुबह पूर्ण स्वस्थ नींद लेकर उठूंगा। यही संकल्प दोहराए 5-10 मिनट और फिर शांति से सो जाए। अगर आपके बगल में कोई आवाज हो रहा है तो होने दे, अगर लाइट चालू है तो चालू रहने दे, या कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो होने दे, आप डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल शांति से सो जाए और फिर सुबह उठे और यही रूटीन को फॉलो करें। याद रखें, खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है आपका मन। अगर मन शांत है तो अल्सराटिव कोलाइटिस पर आराम से विजय पाई जा सकती है। ये सारी बातें मैंने मेरे अनुभव से कही है दोस्तों, क्योंकि मैं भी बाहर निकला हूं, दवाइयों का रोल रहा है इसके भीतर, पर एक मनोदशा का, मानसिक शांति का, एक मुक्त विचार का, एक मुक्त जीवन का बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरे ठीक होने में। तो आप भी अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सरल बनाए, बिल्कुल शांत और शिथिल बनाए, उसी शांतता में, उसी शिथिलता में इससे निकलने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं अल्सराटिव कोलाइटिस के पेशेंट पर क्या बीतती है। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला रहता है, बहुत तनावयुक्त रहता है, वो बहुत डरा हुआ रहता है, और पूरा दिन उसका ध्यान उसके पेट के इर्द गिर्द रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कब बाहर निकलूंगा। और हो सके तो दोस्तों इस अल्सराटिव कोलाइटिस बीमारी को अपना लीजिए, उसका स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अभी विरोध में है इसलिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे कि मुझे है तो है, बात हुई खत्म, उसके सामने लड़े मत, अगर लड़ेंगे तो जो एनर्जी ठीक कर सकती थी वो लड़ने में लग जाएगी, लड़े नहीं, उसके साथ जुड़ जाए, स्वीकार कर ले। जैसे ही स्वीकार करेंगे वैसे आपका 30-40% पीड़ा कम हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी एक दिनचर्या की बात, और याद रखे शांत मन कुछ भी कर सकता है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि अल्सराटिव कोलाइटिस में माइंड का क्या रोल है तो वो आपको सही सही बताएगा। अगर आप सर्च करना चाहे तो गूगल करिए, यूट्यूब पर देखिए या फेसबुक पर देखिए, मिल जाएगा कि अल्सराटिव कोलाइटिस और दिमाग या मन कितने जुड़े हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी अनुभव की बात। अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछे, मेरे अनुभव में होगा तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पूर्णतः स्वस्थ रहे ऐसी मनोकामना के साथ मैं अभी विदाई लेता हूं, और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम।